दिस इज मी सुखप्रीत वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू माय चैनल. आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वन स्टेप फेस क्लीनअप नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ. एंटी एजिंग फेस क्लीनअप घर पे आप कैसे कर सकते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ और सिर्फ एक ही स्टेप में, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी. तो जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे आने वाले सारे वीडियोस को देख सकें. मैं नए वीडियोस पोस्ट करती हूँ मंडे वेडनेसडे फ्राइडे और संडे को दोपहर को एग्जैक्टली 12 बजे, ताकि आप मेरा कोई फ्यूचर वीडियो मिस ना कर सकें. और आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं. सो प्लीज गो हैड, अगर आप मेरे और अप क्लोज एंड पर्सनल मुझे जानना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन सोशल मीडियाज एज वेल. तो चलिए आज का वीडियो भी स्टार्ट करते हैं. सो टाइम टू टाइम फेस क्लीनअप करते रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे जो पोर्स हैं उनकी क्लॉगिंग हो जाती है, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, एक्ने, पिंपल, ब्रेकआउट और मल्टीपल स्किन इश्यूज होते रहते हैं. अब एवरी मंथ या वीकली जो है पार्लर में जाके फेस क्लीनअप कराना बहुत ही बजट फ्रेंडली नहीं होता, पॉकेट के लिए भी सही नहीं है और स्किन के लिए भी सही नहीं है. तो ऐसे में आपको घर पे एक रेगुलर और इक्वल इंटरवल्स के ऊपर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ क्लीनअप करते रहना चाहिए. मैंने रिसेंटली भी आपके साथ एक फेस क्लीनअप वीडियो शेयर किया था जो कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आया था, तो मुझे लगा कि आज मैं एक और नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ फेस क्लीनअप शेयर करती हूँ. नाउ ये जो हमारा नेचुरल इंग्रेडिएंट है ये स्किन के ऊपर हाइपरपिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, स्किन को लाइटन करता है, एंटी टैन है, रिंकल्स को रिड्यूस करता है, डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करता है, मेलिज्मा की प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करता है, एक्ने पिंपल के स्पॉट्स हैं फेस के ऊपर उसको भी ये रिड्यूस करता है. बहुत वीडियो में यूज करने वाले हैं वो है पपाया. नाउ ये पपाया सुन के वीडियो को छोड़ के मत भाग जाना क्योंकि मैं आपको अलग अलग तरीके बताऊंगी पपाया को आप कैसे यूज करें डार्क सर्कल्स के लिए, पपाया को पिगमेंटेशन के लिए कैसे यूज करना है, स्पॉट्स या स्किन लाइटनिंग के लिए कैसे यूज करना है, क्योंकि मेथड अलग अलग है. और जो हमारा आज का एंटी एजिंग क्लीनअप है उसके लिए मैं पपाया का जो छिलका है ये यूज. सो आप बस पपाया को छील लीजिए एंड उसके बाद थोड़ा सा अगर उसके ऊपर जितना भी फ्रूट लगा है इसको आप अपने फेस क्लीनअप में यूज कर सकते हैं. सो पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से सादे पानी से धो लीजिए और उसके बाद डायरेक्टली अगर आप अभी सॉरी पहले मुझे अपने बाल बांध लेने चाहिए. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टाई माय हेयर. और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के लिए हम पपाया को डायरेक्टली छिलके के साथ अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे. आपको बस जेंटली इसको इस तरह से अपने फेस के ऊपर मसाज करना है. इस तरह से पपाया को अपने फेस के ऊपर आप मसाज कर लीजिए. 20 मिनट्स तक मसाज किया हुआ जो लिक्विड आपके फेस के ऊपर है उसको ऐसे ही रहने दीजिए. उसके बाद आप सादे पानी से चेहरे को धो सकते हैं. ये जो वन स्टेप क्लीनअप है ये स्किन के ऊपर से डेड स्किन को रिमूव कर देता है क्योंकि पपाया में इतने सारे हेल्दी एंजाइम्स होते हैं, पेपिन, और उसके साथ साथ रिच होता है विटामिन सी में, इसमें मैग्नीशियम, पोटाशियम और बहुत सारे और मल्टी विटामिन्स भी होते हैं जो स्किन को काफ़ी हेल्प करते हैं, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं. तो ये स्किन को एक्सफोलिएट कर देता है और जिनकी ड्राई स्किन है उनकी स्किन को ये मॉइस्चराइज करता है डीपली. एंड एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है इसकी तो ये रिंकल्स को भी रिड्यूस करता है. और 20 मिनट्स के बाद आप अपने फेस को वॉश कर दीजिए, स्किन को मॉइस्चराइज कर देगा, स्किन आपकी सपल हो जाएगी. इसको आप रेगुलरली कर सकते हो, हर दूसरे दिन कर सकते हो, हर तीसरे दिन कर सकते हो. इट टोटली डिपेंड्स कि आप कितना फ्रीक्वेंट इसको करना चाहते हो, कोई इसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं है. मैं आपको बताऊंगी कि आपको स्पॉट्स के लिए या पिगमेंटेशन के लिए पपाया को कैसे यूज करना है. सो मोस्टली आपको पपाया का जूस निकालना है. जब आप पपाया को कट कर रहे हो तो एक पीस ले लीजिए, उसको स्क्वीज कीजिए, उसका जूस निकाल लीजिए और कॉटन बॉल की मदद से जहां पे आपको पिंपल का स्पॉट रह गया है, दाग धब्बे हैं चेहरे के ऊपर, पिगमेंटेशन है, अनइवननेस है, वहां पे वो पपाया का जूस जो है अप्लाई कर दीजिए सिर्फ उतने स्पॉट के ऊपर. और 15 मिनट के बाद आप उसको वॉश ऑफ कर दीजिए. या आप डेली भी फॉलो कर सकते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हैं. नाउ अगर आपको अंडर आईज डार्क सर्कल्स हैं तो डार्क सर्कल्स को ट्रीट करने के लिए आप ग्रीन पपाया जो रॉ या कच्चा पपाया होता है उसको यूज करें. उसके पीस को क्रश करके आप अंडर आई एरिया के ऊपर अप्लाई करें और उसको कम से कम 10 मिनट तक अंडर आई एरिया पे रहने दें. उसके बाद
पीसेस को रिमूव करके जेंटली मसाज करें। इसको भी रेगुलर करने से आपको अंडर आई डार्क सर्कल्स में हेल्प मिलेगी, क्योंकि पपाया का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो स्किन को लाइटन अप करते हैं, धीरे धीरे नेचुरली लाइटन अप करते हैं। सो इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है, तो ये आपको इफेक्टिव रिजल्ट थोड़ा लॉन्ग टर्म में दिखाएगा, लेकिन दिखाएगा जरूर। होम रेमेडीज जो है वो क्विक रिजल्ट नहीं देती हैं। अगर आपको बिलीव है होम रेमेडीज पे तो आप इनको लगातार यूज करते रहें तो ये आपको इफेक्टिव रिजल्ट देंगी। मार्केट में अगर आपको इफेक्टिव रिजल्ट क्विक चाहिए तो उसके लिए बेटर है कि आप मार्केट से या डॉक्टर से मिलके कोई क्रीम या कोई भी जो प्रोडक्ट वो रेकमेंड करते हैं आप उनको ट्राई कर सकते हो। नाउ अगर आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना चाहते हैं क्विकली, तो उसके लिए आप पपाया का फेस पैक यूज कर सकते हैं, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है। लेकिन पपाया का फेस पैक थोड़ा मेसी होता है, वो फेस के ऊपर टिकता नहीं है, वो मेस हो जाता है। तो इसके लिए आप थोड़े से हार्ड क्यूब्स लीजिए और उनको छोटे छोटे पीसेस में कट करके अपने फेस के ऊपर हनी के साथ मिक्स करके प्लेस कर लीजिए, और 30 मिनट्स के बाद आप अपने फेस को वॉश कर दीजिए और उसके बाद आपकी जो स्किन है वो हो जाएगी नरिश। मिनट्स के बाद मैंने अपने फेस को सादे पानी के साथ वॉश कर लिया है, एंड इसके साथ फेस को जब आप वॉश करते हो तो इंस्टेंटली आपको फेस के ऊपर स्मूथ फील होता है, स्किन जो है वो स्मूथ दिखती है, और आप उसको टच भी करेंगे तो आपको स्मूथ लगेगा। सो मुझे ये वन स्टेप फेस क्लीनअप बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये हम जैसी जो मॉम है, खास करके लेडीज, पूरा दिन घर का काम करना होता है, बच्चे हैं, फैमिली है, उन सब के बीच में हमें ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो हमें क्विक रिजल्ट दे सके, हम खुद का भी ध्यान रख सकें और हमारे घर के काम भी मैनेज होते रहें। तो ऐसे में इस तरह के वन स्टेप इजी क्लीनअप आपको काफ़ी हेल्प दे सकते हैं। बस पपाया का आपको छिलका लेके फेस के ऊपर मसाज करना है, एंड देन यू हैव टू जस्ट लीव इट फॉर 20 मिनट्स, और उसके बाद फेस वॉश कर लेना है। लेकिन आप घर के छोटे मोटे काम करते करते भी ये कर सकती हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं तो साथ ही साथ आप बैठे बैठे ये वाला क्लीनअप कर सकती हैं, क्योंकि इसमें कोई मेस भी नहीं होता and it's very easy to do, so that is why this is one of my favorite cleanup, और मुझे ये आपके साथ share करना ही था। I hope मेरी जैसी जो और housewives हैं, जो और ladies हैं, उनको भी ये video helpful लगा होगा। तो अगर आपको ये मेरा one step anti-aging face cleanup पसंद आया है तो video को जल्दी से कर दीजिए like, और इसको अपने friends के साथ भी share कर दीजिए। मैंने अपने face को dry भी नहीं किया है, let me just dry out my face, so इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का, जो कि आने वाली है alternative days पे। So yeah, that's all for today, I'll see you in another video, till the time, bye.